मित्रों नमस्कार। आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहली बात तो हम लोग प्रश्न लगाते हैं, उसमें ड्रा सिस्टम होता है कि चलो हम भगवान से दुआ करें हमारा ड्रा में नंबर आ जाए। ड्रा में नंबर भी आ जाए तो 20 सवाल होते हैं एक दिन में, प्रश्नकाल का समय बहुत कम रखा है। हमने कई बार अध्यक्ष महोदय से कहा है कि भाई कम से कम सवाल पूरे किया करो, 3 मिनट फिक्स कर दो या प्रश्नकाल बढ़ाओ। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, सवालों के गलत जवाब के हाउस को गुमराह किया गया। ये सिर्फ अकेले नीरज शर्मा को गुमराह नहीं किया गया, ये पूरे हाउस की बेइज्जती है, पूरे हाउस की कंडेम्ट है। आज जैसे उदाहरण के तौर पे सवाल संख्या 185 थी अनस्टार्ड के, एक सीएम अनाउंसमेंट के अंदर घपला हुआ था 11313 में, उसकी क्या जांच रिपोर्ट चल रही है, क्या प्रगति है। और माननीय स्थानीय निकाय मंत्री जी का जवाब आया कि इस पे जांच जारी है। परंतु बड़ी हैरानी की बात है, 25 फरवरी 2021 को ये 60 पेज की रिपोर्ट मेरे को डिपार्टमेंट दे चुका है और मान चुका है कि इसके अंदर घपला हुआ है, 4,66,00,000 रुपया गलत जगह लगा है। आज हालांकि मैंने ये विज जी को बताया, उन्होंने साथ के साथ डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से बात भी करी और उनको बोला भी है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, एक्शन ले। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी का सवाल लगाया मैंने बल्लमगढ़ सोना रोड का, उसके अंदर जवाब आया कि 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की सड़क की जर्जर हालात में है। मैं उप मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा साहब मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा अपना अगर जो 2 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क ये खराब ना मिली, नॉन मोटरेबल नहीं मिली। सबसे हैरानी की बात है, चाहे मैं झारखंड मुख्यमंत्री जी का OHD रहा हो, चाहे बाबूजी के संग हमने यहाँ समय देखा हो, या विधायक बनने के बाद 1.5 साल बाद देखा हो, विधानसभा के अंदर पटल पे चीज सत्य रखी जाती थी। आज ऐसा पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उनको झूठे जवाब दिए जाते हैं, झूठे जवाब पटल पे दिए जाते हैं। मेरी सरकार से डिमांड है कि जो भी मंत्री ये सवालों के जवाब दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे उसकी जाँच करें, कार्रवाई करें और सब चीज सही देखने के बाद ही माननीय सदस्य तक उनके जवाब भिजवाए जाएं, नहीं तो फिर सदन चलाने का फायदा ही क्या है। विधानसभा कार्रवाई का विषय भी बन जाएगा ना, इसको लेकर भी आप आवाज उठाओगे कि भाई तो नहीं, मैं पत्र लिखूंगा, पत्र लिखूंगा साहब, कमाल कर रहे हो, स्पीकर साहब को पत्र लिखूंगा इसके लिए। ऐसे थोड़ी होता, हम प्रश्न लगा रहे हैं, अपनी विधानसभा की आवाज उठा रहे हैं, जनता के सुख दुख की आवाज उठा रहे हैं। अब उसके अंदर ही ये लोग इस तरीके से करेंगे तो कैसे बात बनेगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जैसे ये नगर निगम घोटाले का सवाल हो गया, ये फरीदाबाद आने का रास्ता था, सवाल कुछ था उसको घुमा फिरा के बता दिया, उसके बाद नगर निगम में सीएम अनाउंसमेंट के तहत काम चालू होना था उसका जवाब सही नहीं दिया, सीवरेज की सफाई का काम था, सब गलत, क्या बिल्कुल गलत। जैसे मैंने सवाल लगाया QRG अस्पताल सेक्टर 16 फरीदाबाद द्वारा मरीजों के संग लूट मचा रखी है, कृपया बताया जाए कि युक्त अस्पताल सरकारी नियमों को पूर्ण करता है, क्या अस्पताल के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, क्योंकि अस्पताल एक हरिजनों के लिए संस्था थी, विवेकानंद सोसाइटी, उसके नाम जगह लौटती। इसका इन्होंने 187 नंबर प्रश्न बताया कि श्री नीरज शर्मा MLA क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे क्या QRG अस्पताल सेक्टर 16 फरीदाबाद सरकार के नियमों के अनुसार सभी नियमों और कानूनों को पूरा करता है, तथा क्या उक्त अस्पताल को सरकार द्वारा अनुपालना प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इसका ब्यौरा क्या है। जवाब आता है कै और खे, हाँ श्रीमान जी अगर जो ये पूरा करता है, मैंने ब्यौरा मांगा है, आप ब्यौरा दो। इसका मतलब ये है कि अफसर चंडीगढ़ में बैठ के, मंत्री बैठ के इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि सदस्य ने कोई मेहनत करके सवाल लगाया है, हम उसका जवाब पढ़ तो दें, हम सदस्य को दे क्या रहे हैं, फिर क्या फायदा है सदन चलाने का। सदन की एक कार्रवाई पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, MLO को TADA मिलता है, सारी चीज की व्यवस्था होती है, जब झूठी झूठ बोल रहे हैं तो सदन चलाने का औचित्य क्या रह गया। ये तो सदन की बेइज्जती है, नीरज शर्मा की बेइज्जती नहीं है, ये सदन की बेइज्जती है, पूरे हाउस की बेइज्जती है। देखिए साहब, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और नंबर आज नहीं है कल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे भी हमारे उदाहरण है कि 2 की संख्या से चालू होकर आदमी 400 तक पहुंच गया और कल अविश्वास प्रस्ताव पटल पे आना है। मैं ना भी नंबर बता सकता हूँ क्योंकि मैं CLP नहीं हूँ मेरी पार्टी का, मैं एक विधायक हूँ, पर हमें पूरी उम्मीद है, आप लोग की आज हाँ डेली डेली ही मीटिंगों के दौर चालू हैं, पहले को मीटिंग होगी कल सुबह, सारी 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 चीजें हैं और
मैंने आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, राजनीति है, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने एक ही चीज कहा है, पॉलिटिक्स इज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, इट्स मैटर व्हेन डिलीवर। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है, होए वही जो राम रची राखा, कोकर साखी तर्क बढ़वाया, जो प्रभु ने रचा है वो 100% होगा ही होगा। अब कल तो गर्भ में है, मैंने आपको कहा तो सही, पॉलिटिक्स इज प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, इट्स मैटर व्हेन डिलीवर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कल कुछ भी हो सकता है, कल तक का इंतजार कर लीजिए, कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं बस बीच में। ठीक है जी, कल दोबारा बात करेंगे।